तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। देखो ये बिना पत्तों का हो गया, उसके पत्ते जाने वाले हैं। ये देखो कितने अब। सो ब्यूटीफुल जीतू, राइट? सो ब्यूटीफुल, देखो कितने नीचे आ गए। और वेलकम बैक टू अवर चैनल जीतू अमित ब्लॉग्स। सो अभी हम बाहर इवनिंग वॉक कर रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छा वेदर है आउटसाइड। आप देख सकते हैं चारों तरफ सारे लीव्स गिरने वाले हैं। कितना अच्छा लग रहा है। सो वन मोर थिंग गाइस, जैसे कि दिवाली भी आ रही है, आई थिंक कल है इंडिया में तो शुरू होने वाली है और हमारे यहाँ कल है, तो इस बार कुछ खास नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कनाडा में कुछ प्लेसेस पे टेम्परेरी मना ही नहीं रहे हैं, टेम्परेरी लॉकडाउन कर दिया फिर से, तो किसी के घर नहीं जा सकते, तो अभी हम किसी के घर जा नहीं सकते। देखो, और इस बार घर में ही रहेंगे। Beautiful. हवा भी बहुत चल रही है, पार्शली क्लाउडी भी है और लग चाहिए थे शायद, लेकिन ठीक हूँ मैं। मेरे ऊपर हो ना, देखना, वाओ, ये किसने रेड बनाया ना घर, वो देखो सारे पत्ते चले गए। ओ ये देखो बांस, बारीक बारीक बांस है यहाँ पे, ये मैंने कभी नहीं देखा है ना ये वाला। हाँ होने वाला है, तो अभी 5 बजे 4:30 बजे सर्दियों में जल्दी ही सूरज उग जाता है यहाँ पर 4 बजे। ये देखो ऊपर से पत्ते चले गए और नीचे वाले रह गए। या वैंकूवर में घरों के पीछे ऐसे जैसे कि जब यहाँ पर पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं या टोटली गिर जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि स्नो पड़ने वाली है। जब पूरे पूरे वृक्ष पत्तों के बिना हो जाएंगे, समझ लो स्नो का टाइम आ गया। या और पत्ते झड़े हुए इतने अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको पता मोहब्बतें फिल्म में भी ये दिखाया गया है बार बार, पत्ते कनेडियन। यही दिवाली है बस। आपको पता है कंटिन्यू एक हफ्ते से बारिश हो रही थी, आज थोड़ी सी धूप निकली थी, हमने जल्दी से तैयारी की बाहर आने की और पार्शली क्लाउडी फिर से हो गया और विंडी भी हो गया, आप देख सकते हो। आई थिंक अब तो नेक्स्ट ईयर ही सूरज निकलेगा।
कोई पता नहीं, इसे वैंकूवर बोलते हैं, इसको कुछ पता नहीं कब बारिश आ जाए। कई बार ही तो स्नो फॉल में भी ये वो हो जाता है, सनी जो है ना आ जाता है भी। हाँ, यहाँ पर सनसेट हो रहा है, आई थिंक काफी ब्यूटीफुल लग रहा है अभी, स्टिल काफी क्लाउडी होता है। आई थिंक 4:30 का टाइम है। दिल तो है पर जाने क्यों, आज तो आपको सिर्फ गलियों का व्यू दिखाने आए थे हम कि पतझड़ में कनाडा कैसा लगता है, वैंकूवर कैसा लगता है और कितना ब्यूटीफुल। तो गाइस अभी अभी हम घर पहुंचे हैं, आते ही मैंने कॉफी बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि हम दोनों को बहुत ठंड लग रही थी और मैं ट्राई कर रही हूँ कि टेस्टी कॉफी बने क्योंकि हम बाहर से कॉफी नहीं बाय करना चाहते, कोरोना वायरस थोड़ा सा फैल गया है। चल झूठी नहीं, सच में चुप करो। मैंने बोला कि टीम होटल में चलते हैं, कॉफी पीते हैं। टीम होटल में भी स्टिल मैं डरती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। घर की कॉफी आप पी के देखो ना, मेरी बनाई हुई पी लिया करो। ओके लेट्स सी, ये देखो बनाए जा रही। बाहर के कैफेटेरिया आप भूल जाओगे। तो गाइस हमारी कॉफी बन के रेडी है, घर की कॉफी। आज की वीडियो यही क्लिप क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।